पानी छोड़ने के बाद फिर ये धीमी आंच पे भूनता रहे। तो ये लीजिए मेरा मसाला चिकन बनके तैयार है, मैं जा रही हूँ इसको खाने। के लिए लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से चिकन, मसाला चिकन बनाना आप लोगों को बताऊंगी, जो जिस तरीके से मैं फर्स्ट डे से जब से मैंने कुकिंग सीखी है, कुकिंग करना चालू किया है, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और ये बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो ये मेरे पास लगभग 1 किलो है चिकन, मैंने सब सारा धो के इसको अच्छे से रख लिया है। 1 किलो में लगभग ये 750 ग्राम प्याज है और ये 2 लहसुन की के पॉट्स है। तो मैं सबसे पहले इस दोनों को छील के बारीक काट के धो धा के आपसे मिलती हूँ। ये मैंने प्याज इस तरीके से पतला पतला काट लिया है और देखिए ये लहसुन, ये है साबुत गरम मसाले जिसमें तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, 3 इलायची है, 1 स्टार एनिस है, 1 दालचीनी, लौंग, काली मिर्च के 10-15 दाने, ये है बड़ी इलायची और ये है शाहजीरा। उसके बाद मैरिनेशन के लिए ये दही है, मेरा थोड़ा सा पानी पानी वाला है, आप हम कर्ड भी ले सकते हैं। ये है कसूरी मेथी, ये है गरम मसाला और ये अपने बेसिक मसाले, नमक, धनिया, हल्दी, ये है लाल मिर्ची, ये है जीरा और ये है सरसों तेल। तो अब हम सारा मैरिनेशन का तैयारी करेंगे और सब कुछ मिला के चिकन में इसको छोड़ देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैरिनेशन करना। सबसे पहले हम जिस बर्तन में बनाएंगे, तो मैं ये कढ़ाई में बनाऊंगी, इसी में मैं सबसे पहले ये चिकन के पीसेस को डाल देती हूँ। बहुत ही इजी है और बहुत ही इसका टेस्ट जो है वो उम्दा आता है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है इसमें। तो ये देखिए मैंने पूरा चिकन इसमें डाल दिया। उसके बाद हम ये लहसुन डाल देंगे, ये जो हमने प्याज था बारीक कटा हुआ उसको डाल देंगे, जितना है हमारे पास सब कुछ हम इसमें, ये देखिए सब कुछ एज इट इज डाल देंगे। ये हम दही डाल देंगे, ये कसूरी मेथी, ये हमारे बेसिक मसाले, मिर्ची अपने हिसाब से आप लोग कम या ज़्यादा जैसा आप लोगों को पसंद हो। ये सिर्फ कलर देता है, ये बहुत तीखी नहीं है मेरी लाल मिर्च। ये है हल्दी, ये है धनिया, ये है साबुत जीरा, एक शाहजीरा डाला था और ये साबुत जीरा है, ये है गरम मसाला, मेरे पास एवरेस्ट का है, आपके पास होममेड हो या और किसी कंपनी का जो आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दीजिए। उसके बाद हम नमक डालेंगे, नमक में ये मैंने हाथ इसलिए लगाया है, ज़्यादा हो जाने पे मुश्किल हो जाती है, थोड़ा कम ही रहे, कम रहता है तो हम बाद में भी एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम इसमें फाइनली ये सरसों तेल डालेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, थोड़ा कम चलेगा क्योंकि चिकन अपना भी छोड़ता है। ये लगभग मैंने 2 बड़े चम्मच दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए मैंने सारा अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे।
एक घंटा हो गया है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए अच्छे से ये मैरिनेट हो गया है। तो अब हम इसको गैस पे चढ़ाएंगे। तो ये मैंने अब गैस पे चढ़ा दिया है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसको जो आँच है इसकी वो मीडियम पे रखेंगे, मीडियम से थोड़ा हल्का ज़्यादा, क्योंकि ये स्टार्टिंग में पानी छोड़ेगा। पानी छोड़ने के बाद फिर ये धीमी आँच पे भूनता रहेगा। तो चलिए इसको अब हम ढक देते हैं। चिकन ने कितना पानी छोड़ा है तो ये देखिए, मैंने कहा था ना आपको कि स्टार्टिंग में जो है ये पानी छोड़ेगा, इसीलिए थोड़ी सी आँच मैंने मध्यम से थोड़ा तेज किया हुआ था, फुल आँच पे नहीं लेकिन मध्यम से थोड़ा तेज था। इसको हम एक बार मिला देंगे फिर से और इसको हम छोड़ देंगे। तो देखिए अब ये पानी सूखने को हो गया है। अब हम इसमें ये चिकन मसाला डाल देंगे। गरम मसाला हमने पहले से डाला हुआ है, ये एक है, मैं इसमें दो डालूंगी। और आँच आप इस अभी कम कर दीजिएगा, नहीं तो नीचे ये लग सकता है और हमारी सारी मेहनत जो है वो खराब हो जाएगी। तो एक पाउच मैंने डाला है और इसमें से हम आधा डालेंगे। उसके बाद हम इसमें दो चम्मच घी भी डाल देंगे, इससे स्वाद इसका बहुत ही अच्छा निकल के आता है। तो अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करके गैस की आंच को बिल्कुल धीमा करके इसको अब हम भुनने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए मैं ये सारा अच्छे से मिला रही हूँ। बहुत ही लाजवाब स्वाद आता है ये जब बन के तैयार होता है। तो एक बार ज़रूर से आप लोग इस तरीके से बनाइए, बनाते ही होंगे। ये देखिए अब सब मैंने मिला दिया है। अब पूरा इसको एक जगह गैदर करके इकट्ठा करके हम इसको ढक देंगे धीमी आंच पर पकने के लिए। A few moments later. तो अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है मुझे भी, लेकिन हल्का रस्सा हो जाए चावल के साथ खाने के लिए। तो पहले हम अच्छे से मिला लेते हैं, जो भी हमारे मसाले नीचे की तरफ बैठ गए हैं उन सबको पहले हम निकाल लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए आसानी से ये निकल जा रहा है, उसका मतलब है कि नीचे मसाला बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपका नहीं है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और पानी, ये गिर गया था प्लेट में, वही डाल रही हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी और इसमें हम थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे क्योंकि पानी डला है। ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको हम फिर से छोड़ देंगे बॉईल होने के लिए। तब तक अगर आपको इसके साथ रोटी खानी है तो जाइए झट से रोटी बना लीजिए, मुझे चावल खाना है तो मैं जा रही हूँ चावल बनाने के लिए। तो लीजिए मेरा मसाला चिकन बनके तैयार है, मैं जा रही हूँ इसको खाने, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और आप लोगों को क्या करना है, जरा से भी अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।